मैं प्रदीप रावत एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड क्लासेस ग्वालियर से पढ़ने वाले हैं पीएटी के लिए स्पेशल बायोलॉजी। बोले तो बायोलॉजी क्लासिफिकेशन जो अपना सबसे पहला चैप्टर रहा है, अपनी ऑफलाइन क्लास में भी सबसे पहला चैप्टर यही रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसके बिना कुछ पता ही नहीं है, होता ही नहीं है। क्योंकि पता नहीं होगा कि बायोलॉजी बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी में कौन आता है, किस किस को इन्वॉल्व किया गया है, तो पढ़ेंगे क्या? कुछ नहीं। तो इससे पहले पता होना चाहिए कि बायोलॉजी क्या है और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं, हाँ एक बात और बता दूं मैं तुम लोगों को, ये जो बायोलॉजी क्लासिफिकेशन है वो पीएटी के लिए स्पेशल है। ओके, यहां से 101% क्वेश्चन आउट है, 101% एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, दो भी हो सकते हैं भाई। ओके, हाँ पीएटी स्पेशल, यहां से पीएटी वाले इसको एकदम सटीकली लेना है, आईसीआर वाले भी सटीक लेना है, क्योंकि यहां से 101% क्वेश्चन आउट होता है, तो आपको इस पे फोकस काफी ज्यादा करना है, ठीक है? ये अभी अपना बेसिक होगा, नॉर्मल मतलब जीरो लेवल, जीरो जीरो लेवल का भी जीरो लेवल यही है, ठीक? तो हम लोग बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, इसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो इसको पढ़ने से पहले, क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले, क्लासिफिकेशन बोले तो वर्गीकरण, हाँ इसको पढ़ने से पहले बायोलॉजी का मतलब समझते हैं हम लोग। तो बायोलॉजी का मतलब क्या है? जीव विज्ञान, हाँ वो तो हिंदी में होता है, तो जीव विज्ञान का मतलब क्या है? तो जीव विज्ञान का मतलब कुछ नहीं है जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, ऑर्गेनिज्म का अध्ययन किया जाता है, समझ रहे हो? जीव ऑर्गेनिज्म जिनमें जीवन होता है, लाइफ होती है उनकी, उनकी स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी को लाइफ साइंस भी कहते हैं भैया। क्या? लाइफ साइंस। अभी अपने यहाँ इंडिया में नहीं है, काफी जगह चलता है, बड़े बड़े लेवल पे चलता है, काफी हायर लेवल पे चलता है, बायोलॉजी को लाइफ साइंस भी बोला जाता है। इसमें लाइफ की स्टडी की जाती है, जीवों की स्टडी की जाती है, ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है, उसको कहते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। ओके, अब बात आ रही है बायोलॉजी में जीव आते हैं, ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है? ठीक है, अब बात आ रही है ऑर्गेनिज्म जी, ऑर्गेनिज्म जी, ठीक। अब ये बायोलॉजी में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कौन कौन होते हैं आखिरकार? क्या ये जीव है, ये ऑर्गेनिज्म है? नहीं, ये ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये नॉन लिविंग है, ये निर्जीव है, तो इसकी स्टडी बायोलॉजी में नहीं करते हैं। तो किसकी स्टडी करते हैं? तो भैया अभी मैं नॉर्मल तरीके से बात कर रहा हूं, हम किसी किताब की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम सिंपल तरीके से समझ रहे हैं, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, मछलियां, सांप, हम, तुम, गधा, घोड़े, ये सब क्या है? जीव है भैया, ऑर्गेनिज्म है, इनकी स्टडी, इनका अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। तेरा अध्ययन मेरा अध्ययन सब बायोलॉजी, प्लांट का अध्ययन भी बायोलॉजी, बैक्टीरिया का स्टडी भी बायोलॉजी। अब ये बोले पंखा की स्टडी, ये बायोलॉजी नहीं है, ये बायोलॉजी नहीं है, ठीक है? इसको फिजिक्स बोलेंगे, खैर फिजिक्स वाले टीचर समझाएंगे आप लोगों को। तो बायोलॉजी क्या? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, समझ रहे हो? यानी ऑर्गेनिज्म की जिंदगी की स्टडी जिसमें करते हैं, जीवों की जिंदगी की स्टडी जिसमें करते हैं, उसको, उस क्लास को, उस ब्रांच को कहते हैं बायोलॉजी, ठीक है? अब बायोलॉजी में कौन कौन, जीवों में बोले तो, जीवों में बोले तो, ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आता है, तो मैं अपने लेवल पे, अपने छोटे से लेवल पे बताना चाह रहा हूं। तो भैया प्लांट भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट भी जीव है, और हम भी, एनिमल भी, जंतु भी जीव है, समझ रहे हो? ठीक। अब बात आ रही है प्लांट जीव है, एनिमल जीव है, ठीक, हाँ हम सब जीव है। तो सबसे पहले बात आ रही है, सबसे पहले प्लांट और एनिमल को अलग अलग कैसे किया? हम भी जीव, प्लांट भी जीव, हम भी जीव और प्लांट भी जीव। तो आप ये बताइए, हम भी जीव और प्लांट भी जीव, तो सबसे पहले एनिमल को एनिमल और प्लांट को प्लांट क्यों कहते हैं? आखिरकार ऐसा क्या अंतर है दोनों में? है तो दोनों जीव ही, तो आखिरकार ऐसा क्या अंतर है दोनों में कि एनिमल को एनिमल बोल दिया, प्लांट को प्लांट बोल दिया? अंतर तो है, चलो अंतर जो भी हो, अब बात, मुद्दा ये आता है, आखिरकार बोला किसने होगा सबसे पहले प्लांट को प्लांट और एनिमल को एनिमल? ये भी तो मुद्दा है ना। पहली बात क्या थी? पहली बात ये थी कि प्लांट को प्लांट क्यों बोला और एनिमल को एनिमल क्यों बोला? चलो होगा इसका कोई रीजन,
अब दूसरा मुद्दा भी होता है इसमें से कि आखिरकार ये क्लासिफिकेशन, ये वर्गीकरण, ये जो बंटवारा किया है एनिमल और प्लांट का, वो किसने किया, ऐसा कौन सा कांडकारी बुड्ढा था। इन सभी बातों को हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो एक बुड्ढा हुआ करता था, बोले तो साइंटिस्ट, इज्जत से बात करना है, बुड्ढा नहीं साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। ओके, इसका नाम है अरिस्टोटल। क्या नाम है? अरिस्टोटल। हाँ, हंसी आ रही तुम लोगों को, अरिस्टोटल, अरस्तु। हाँ, अरस्तु, अरिस्टोटल। तो सबसे पहले उसने ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिजम्स को बोले तो जीवों को, ऑर्गेनिज्म को बोले तो जीवों को किसने? अरस्तु, अरिस्टोटल, अरस्तु ने। किसने? अरस्तु ने। सबसे पहले जीवों को अरस्तु ने, अरिस्टोटल को, दो पार्ट में डिवाइड किया। भैया कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। कहानी ये है कि भाई जो अरस्तु नाम का बुड्ढा है, अरस्तु नाम का जो साइंटिस्ट है, इसको फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी के पापा जी, फादर ऑफ बायोलॉजी, अरिस्टोटल। तो इसने क्लासिफिकेशन, इसने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को, सबसे पहले जीवों को बांटा था। पूरे पहले कोई नहीं जानता था कि प्लांट क्या है, एनिमल क्या है, कोई नहीं जानता था। पहले जानते थे कि भैया जैसे हम हैं वैसे प्लांट भी हैं, हम सब एक ही थे, जीव ऑर्गेनिज्म सब एक ही थे। तो बुड्ढा आता है एक अरिस्टोटल, उसने क्या काम किया, उसने जीवों को दो क्लास में डिवाइड कर दिया, एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल। इसकी हिंदी है भैया, इसको कहते हैं चलने वाला, इसको कहते हैं नहीं चलने वाला, नहीं चलने वाला। और इसके लिए उन्होंने एक और वर्ड यूज किया था जिसका नाम है अस्थिरवा। ये काफी पुराना क्लासिफिकेशन है भैया, अस्थिरवा, खानी वा, अस्थिरवा, और दूसरा स्थिरवा। तो अरस्तु ने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया? दो। कितने? दो कैटेगरी में, एक तो मोटाइल एक नॉन मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है चलने फिरने वाला, और नॉन मोटाइल का मतलब होता है एक जगह निठल्ला बैठने वाला, खड़ा होने वाला, एक जगह रहता ही है, जिंदगी भर रहेगा, जहां है वहीं रहेगा, कहीं नहीं जा पाएगा, समझ रहे हो? हाँ, तो चलने वाला मोटाइल, चलने वाला, और एक नॉन मोटाइल ना चलने वाला। तो अपनी नजरों में देखे चलने वाले कौन होते हैं? हम, तुम, अभी मैं अपने घर से आया हूं यहाँ, तुम भी किचन में गए होगे, पानी लेके आए होगे, बैठे होगे, पेन रस्ते लिया होगा, तुम भी चल रहे हो, तो तुम किस कैटेगरी में आते हो? मोटाइल कैटेगरी में। बोले तो स्थिर, अस्थिरवा। अस्थिर मतलब, स्थिर का मतलब स्थिर है भैया, खड़ा हुआ है, और अस्थिर का मतलब खड़ा नहीं है, चल सकता है। हम अस्थिरवा कैटेगरी में, बोले तो मोटाइल कैटेगरी में, हम क्योंकि हम लोग चल फिर सकते हैं, गधा घोड़े वो भी हमारे भाई बहन है, क्योंकि वो भी चल फिर सकते हैं, समझ रहे हो, वो भी चल फिर सकते हैं, वो भी मोटाइल कैटेगरी में। मछलियां भी मोटाइल कैटेगरी में, जरा देखना, कैचुआ भी मोटाइल कैटेगरी में। तो ये वाला क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अरिस्टोटल ने। किसने? अरिस्टोटल ने। बोले तो अरस्तु ने ये वाला क्लासिफिकेशन दिया था, सबसे पहले जीवों को, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को अरस्तु ने, अरिस्टोटल ने मोटाइल एंड नॉन मोटाइल कैटेगरी में डिवाइड किया था। मोटाइल का मतलब चलने वाला, बोले तो अस्थिरवा, जैसे कि हम अभी, हम उनको एनिमल कहते हैं, अभी हम इस कैटेगरी वालों को क्या बोलते हैं? एनिमल। और नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल किसको बोलते हैं भैया? बोले चल नहीं सकते, जैसे कि प्लांट, तो प्लांट, प्लांट किस कैटेगरी में आते हैं? नॉन मोटाइल कैटेगरी में, क्योंकि वो चल नहीं सकते, एक जगह है, वहीं खड़ा है बेचारा, वहीं निपट जाएगा। कभी देखा एक प्लांट, अरे आज यहां है उत्कल जापान पहुंच गया, ऐसा होता है? नहीं होता ना। तुम्हारे घर के सामने प्लांट होगा तो वो तुम्हारे घर के सामने ही रहेगा, जब तक चाहे तुम बुड्ढे पड़ जाओ तुमको वहीं दिखाई देगा। ऐसा नहीं तुम्हारे खेतों पर पहुंच जाए वो टहला है, ऐसा नहीं होता है, वो चल नहीं सकता। तो नॉन मोटाइल कैटेगरी में। तो जीवों को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया था अरिस्टोटल ने? दो कैटेगरी में, एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल। ओके, क्लियर? ठीक। अभी हम, अभी प्लांट को प्लांट नहीं बोला है, अभी एनिमल को एनिमल नहीं बोला है, अभी इसके जमाने में, अरस्तु के जमाने में
प्लांट को नॉन मोटाइल और एनिमल को मोटाइल कहते थे। स्थिरवा क्योंकि स्थिर है, अस्थिरवा स्थिर नहीं है, इनको प्लांट बोला जाता। प्लांट को अरस्तु की जनरेशन में क्या बोलते थे? नॉन मोटाइल, और एनिमल को मोटाइल। ठीक ठीक ओके। तो मैं सबसे पहला क्लासिफिकेशन लिख देता हूं अरिस्टोटल का, अरस्तु वाला। अरस्तु, अरस्तु ने दिया था सबसे पहले कितनी कैटेगरी में, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, मोटाइल एक, नॉन मोटाइल, अस्थिरवा और एक स्थिरवा। ठीक, ये वाला क्लासिफिकेशन किसका था? अरिस्टोटल का। अब इनको हम एक तरीके से बोल सकते हैं जैसे कि एनिमल, लाइक एनिमल, लाइक प्लांट। ठीक ओके। अब अरस्तु ने एक और क्लासिफिकेशन दिया भैया, क्या अरस्तु ने एक और क्लासिफिकेशन दिया? अरस्तु ने, हाँ तो हम कहां थे? औकात से बाहर आते हैं, अपने औकात पे आ जाओ। तो नॉन मोटाइल और मोटाइल में डिवाइड कर दिया किसने? अरस्तु ने। तो भैया अरस्तु का ये तो पहला क्लासिफिकेशन था, अब दूसरा भी क्लासिफिकेशन हो गया अरस्तु ने। हाँ भाई, दो क्लासिफिकेशन दिए थे, पहले तो बायोलॉजी वर्ल्ड को बांटा, बायो वर्ल्ड को बांट दिया डिवाइड कितने में? दो में, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। अब भाई साहब एनिमल को भी डिवाइड कर दिया, बोले तो मोटाइल को भी डिवाइड कर दिया किसने? इसी बुड्ढे ने। कैसे डिवाइड किया? अरस्तु का क्लासिफिकेशन चल रहा है तो फर्स्ट वाला, तो इसने क्या किया? इसने एनिमल को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया भैया, इसी बुड्ढे ने। ये अरस्तु का कांड चल रहा है अभी, तो कौन सा? पहले तो इनाइमा और एनाइमा, इनाइमा और एनाइमा। अब यहां तो इसने पहला क्लासिफिकेशन, अब दूसरा क्लासिफिकेशन इसी बुड्ढे का, इसका अरस्तु का। उसने एनिमल को फिर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक एनाइमा और एक इनाइमा और एक एनाइमा, एक इनाइमा और एक अनाइमा। इनाइमा मतलब उसने दो एनिमल लिए, दो प्राणी लिए, दो जंतु लिए, एक इधर और एक इधर, माना कि एक ये, इसको काटा तो भैया रेड ब्लड आ गया, लाल खून निकलने लगा, इसको काटा तो भाई खून ही नहीं निकला। तो इसका मतलब क्या हुआ? ब्लड रेड क्यों होता है? आरबीसी की वजह से, राइट? हाँ, तो इसको काटा तो इसका ब्लड कैसा निकला? रेड निकला, तो इसका मतलब इसके ब्लड में आरबीसी होगा, ठीक। और इसको काटा तो इसके ब्लड में, इसके ब्लड रेड नहीं निकला, पानी जैसा कुछ निकला, इसका मतलब इसकी बॉडी में आरबीसी नहीं है, तो ठीक है। जिसकी बॉडी में आरबीसी है, जिसके ब्लड में आरबीसी है, उसको उसने बोल दिया कि भैया वो है इनाइमा। क्या? इनाइमा बोल दिया। क्या बोल दिया? इनाइमा, ठीक, इनाइमा बोल दिया। जैसे कि यहां इनाइमा, इनाइमा बोले आरबीसी युक्त, यानी जिनकी बॉडी में, जिनके ब्लड में क्या है? आरबीसी है, आरबीसी है। और यहां यहां एनाइमा आरबीसी विहीन, यानी आरबीसी लेस, यहां बोल सकते हैं विदाउट आरबीसी। विदाउट आरबीसी, ओके, यहां आरबीसी नहीं है। तो ऐसे एनिमल जिनमें आरबीसी होता है, जिनके ब्लड में आरबीसी होता है, उसको एनाइमा कहते हैं, और जिनके ब्लड में आरबीसी नहीं होता है उनको अनाइमा कहते हैं। ये दोनों क्लासिफिकेशन किसके थे भैया? ये दोनों क्लासिफिकेशन थे हमारे इस बुड्ढे के, जिसका नाम है अरस्तु। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी करो, आई डोंट नो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आते हैं अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे। वो तो पहले अपना किसका था? बुड्ढे का, अरिस्टोटल का। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अपना, अब बात आती है, अभी बताऊंगा किसका नेक्स्ट क्लास के सर, रुक जाओ अभी। अब बात आती है, अरिस्टोटल का कहानी खत्म हो गया, ठीक। अब बात आती है कि भैया अभी तो प्लांट को प्लांट कहां बोला है हम लोगों ने,
अभी तो किसी को एनाइमा बोला, किसी को इनाइमा बोला, किसी को नॉन मोटाइल बोला, किसी को मोटाइल बोला, अभी मेन मुद्दा आया नहीं है। प्लांट को प्लांट, एनिमल एनिमल, एनिमल को एनिमल किसने बोला अभी पता नहीं किसी को। तो एक बुड्ढा आता है जिसका नाम है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस, क्या नाम बुड्ढा है? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस, ध्यान से, इट इज वेरी वेरी आईएमपी बुड्ढा, समझ रहे हो ना, बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला है। इसी को ही फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एक बुड्ढा आता है जिसका नाम है कैरोलस लिनियस, जिसका नाम क्या है? कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस। हिंदी मीडियम के लिए ये है भैया कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, सी एल, कैरोलस लिनियस, ये बुड्ढा इसका। तो इसने क्या किया, पूरे जीव जगत को, पूरे बायो वर्ल्ड को, पूरे ऑर्गेनिज्म को दो क्लास में डिवाइड कर दिया। एक तो भैया पहला प्लांट, प्लांटी, अब दूसरा नॉट प्लांटी, इट इज प्लांटी, प्लांटी, दूसरा एनिमिलिया, एनिमिलिया, एनिमिलिया। एक तो पादप जगत, दोबारा से तरीके से लिखना, कैरोलस लिनियस ने पूरे जीव जगत को, पूरे बायो वर्ल्ड को दो किंगडम में, कितने किंगडम में? दो किंगडम, किंगडम जगत, प्लांटी किंगडम और एक है एनिमेलिया किंगडम। तो कितने किंगडम? दो किंगडम किसने दिए? कैरोलस लिनियस ने। कितने किंगडम? दो। कौन कौन से? प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो भैया ये कितने किंगडम वाला, कितने किंगडम वाला क्लासिफिकेशन है? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। यही पूछा गया क्वेश्चन है पीएटी में, एक दो बार नहीं है, कई बार पूछा गया है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? द्वि जगत प्रणाली किसने दी थी? एक किंगडम, किंगडम बोले तो जगत, द्वि जगत प्रणाली बोले तो हिंदी में इसको कहते हैं पादप जगत, इसको कहते हैं जंतु जगत या प्राणी जगत। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन, या मैं लिख देता हूं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। तो इसमें कौन कौन से किंगडम इन्वॉल्व थे? तो भैया ये प्लांटी किंगडम और एनिमिलिया किंगडम। तो भाई साहब तब से हम लोग प्लांट को प्लांट और एनिमल को एनिमल कहते हैं, समझ रहे हो? किसकी वजह से? कैरोलस लिनियस की वजह से। अगर ये भाई साहब नहीं होते तो क्या होता, सोचो क्या होता, ना तो प्लांट प्लांट रहता, ना एनिमल एनिमल रहते, समझ रहे हो? हाँ, तो इसकी वजह से, इस कैरोलस लिनियस की वजह से हम प्लांट को प्लांट और एनिमल को एनिमल कहते हैं। अब बात आती है, सर ये बताइए कि ये जादूगर था क्या? बोलो नहीं, मैं बोलूंगा नहीं जादूगर नहीं था। तो सर इसको कैसे पता चल गया कि प्लांट को प्लांट ही कहना है और एनिमल को एनिमल ही कहना है? आखिरकार ऐसा रीजन क्या होगा, इसने सोचा क्या होगा कि भाई साहब एक दो किंगडम बना दो, एक प्लांट किंगडम बना दो और एक एनिमल किंगडम बना दो, एक एनिमल को एनिमल में रख दो, प्लांट को प्लांट में रख दो। आखिरकार किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया होगा? तो आज मैं तुमको बता दूं कि भाई साहब क्लास हम किसी का बंटवारा करते हैं तो कुछ ना कुछ बेस चाहिए होता है। जैसे कि मैं बोलूं तू हरामी है, तेरा पड़ोसी और तुझसे बड़ा हरामी है, तो बात आ रही है वो तो हरामी, तुझसे बड़ा वाला वो हरामी। तो तुम दोनों में मैंने डिवाइड किया, क्लासिफिकेशन किया, बंटवारा किया, बंटवारा किया, तो किस वजह से तुम्हारे अंदर, तुम्हारी या तो एक्टिविटी, तुम्हारे व्यवहार की वजह से, या मैं हरामी हूं मेरा दोस्त हरामी है, हम दोनों व्यवहार की वजह से हम दोनों का बंटवारा हो रहा है। तो भाई साहब अगर किसी को क्लासीफाई करना है, किसी को बांटना है दो कैटेगरी में, तो उनका एक मजबूत बेस चाहिए होता है, कोई कारण चाहिए होता है जिससे हम इसको बांट सके। जैसे पीएम और सीएम की बात करें, पीएम कहां और सीएम कहां, तो दोनों के बीच का काफी डिफरेंस है, दोनों में अंतर भी है, मजबूत है वो बड़े पद पे छोटे पद पे,
तो ऐसे ही तो आखिरकार एक केरलस गिनीस ने ऐसे क्या सोचा होगा कि प्लांट को प्लांट बोल दिया और एनिमल को एनिमल बोल दिया, रीजन क्या है? तो मैं तुमको बता दूं, इसने बस एक ही मुद्दा पकड़ लिया था कि जो फोटोसिंथेसिस करेगा वो प्लांट है, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा वो एनिमल है। यानी जो प्रकाश संश्लेषण करेगा उसको प्लांट कहेंगे, पादप कहेंगे, जिस जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा उसको एनिमल कहेंगे, जंतु कहेंगे, प्राणी कहेंगे, हम कहेंगे, बोलो तो ये इंसान बड़ा हरामी चीज है इंसान। हाँ फोकस करो इधर। तो केरलस लिनियस ने मुद्दा क्या पकड़ा कि भाई साहब जो फोटोसिंथेसिस करेगा वो प्लांट है, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा वो एनिमल है। और इसका एक और रीजन था सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल होगी वो प्लांट है, जिसमें सेल वॉल नहीं होगी वो एनिमल है। ये दो मुद्दे थे इसके, केरलस लिनियस के। ओके ठीक। अब टू किंगडम, अब क्वेश्चन यहां से क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, केरलस लिनियस ने। तो सबसे पहला अच्छा क्लासिफिकेशन किसका था भैया, इसी का था, केरलस लिनियस का, क्योंकि प्लांट को प्लांट और एनिमल को एनिमल इसी ने बुलवाया था। अब इसीलिए इसको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, समझ रहे हो, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कौन, केरलस लिनियस, इधर इधर केरलस लिनियस। ठीक ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। तो जरा देखते हैं, अब पहले तो अरस्तु का पढ़ा, फिर अब किसका पढ़ लिया, केरलस लिनियस का। इसको कार्ल लिनियस भी कहते हैं, इसका नाम क्या, कार्ल लिनियस, इसको कार्ल लिनियस भी कहते हैं। तो किसी किसी बुक में केरलस लिनियस भी लिखा हुआ है, किसी किसी बुक में कार्ल लिनियस भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो कार्ल लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कार्ल लिनियस ने। और इस किंगडम में, इसमें इस क्लासिफिकेशन में कितने किंगडम शामिल थे, एक प्लांटी किंगडम और एक एनिमल किंगडम। ठीक, तो तभी इसके जमाने में ओनली दो चीजें जानते थे कि भैया दुनिया में दो के अलावा कुछ होता नहीं है, एक तो भैया एनिमल होते हैं और एक प्लांट होते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं जानते थे हम। पहले क्या जानते थे, एक एनिमल और एक प्लांट बस। फिर एक बुड्ढा आया जिसका नाम है हैकल, जिसका नाम क्या है, हैकल, हैकल नाम का बुड्ढा आया, उसने प्लांट और एनिमल से, प्लांट और एनिमल से अलग टाइप का एक और जीव खोज लिया, एक और ऑर्गेनिज्म खोज लिया, जो कि ना तो प्लांट से मेल खा रहा था ना तो एनिमल से मेल खा रहा था। तो बुड्ढों की बैठक होती है, तो उसने उसने बोला कि भाई ना तो प्लांट से मैच हो रहा है ना तो एनिमल से मैच हो रहा है, तो क्या किया जाए इसका। तो इसने क्या किया, इस हैकल ने क्या किया, एक अलग जगत बना दिया, एक अलग किंगडम बना दिया, जिसका नाम रख दिया प्रोटिस्टा, जो कि ज्यादातर एक्वाटिक ही होते हैं, जलीय होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक, क्या नाम रख दिया, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा किंगडम किसने दिया था, हैकल ने। तो हैकल के जमाने में कितने किंगडम आ गए थे, तीन। तो अब हैकल के जमाने में तो भैया बोलेंगे कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, हैकल ने। और हैकल के द्वारा कौन सा किंगडम एड किया गया था, तो है भाई प्रोटिस्टा, जिसपे स्टार लगा हुआ है, ये किसने दिया था, हैकल ने। तो भाई हैकल का जमाना चला काफी टाइम तक, फिर भाई साहब हैकल का जमाना जैसे ही एंड होता है तो भाई साहब एक और बुड्ढा आया था, इसका नाम कॉपलैंड, कॉपलैंड, कॉम्प्लैन नहीं है, कॉपलैंड नाम का बुड्ढा आता है, कॉपलैंड नाम का बुड्ढा आता है। तो भाई साहब उसने एक ऐसा एनिमल, सॉरी एनिमल नहीं, उसने एक ऐसा ऑर्गेनिज्म खोज लिया, ऐसे जीव खोज लिए जो ना तो प्रोटिस्टा से मैच हो रहे थे, ना तो एनिमल से मैच हो रहे थे और ना ही प्लांट से मैच हो रहे थे। तो कॉपलैंड ने बोला यार ये तो सबसे अलग है, सबसे यूनिक है। तो बुड्ढों ने मीटिंग बुला के कॉपलैंड द्वारा खोजे गए ऑर्गेनिज्म को एक अलग जगत में, एक अलग किंगडम में परोस दिया, उस किंगडम का नाम रख दिया भैया मोनेरा, क्या नाम रख दिया, मोनेरा किंगडम। तो भाई साहब कॉपलैंड ने कौन सा किंगडम, कौन सा किंगडम ऐड किया था, तो भाई साहब मोनेरा किंगडम। तो कॉपलैंड के जमाने में कितने किंगडम वाला क्लासिफिकेशन हो गया था, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, कितना, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया था, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। वजह से यहां कॉपलैंड ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दे रहा है, कौन सा, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, कौन,
कॉपलैंड ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम इन्वॉल्व थे, तो भैया मोनेरा जो कि कॉपलैंड ने दिया था, मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांटी एंड फंजा, मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांटी एंड एनिमल एनिमेलिया, मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कॉपलैंड ने दिया था। अब आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि हमारे सबसे बेहतरीन चहेते बुड्ढे जिसका नाम है आर एच विटेकर ने दिया था, किसने दिया था, आर एच विटेकर। एक कहानी है सन 1969 की, सन 1969 की, हमारा बुड्ढा हुआ करता था, अब तो निपट लिए हैं, वो बुड्ढा हुआ करता था जिसका नाम है आर एच विटेकर। आर एच विटेकर ने तो क्या किया, कॉपलैंड के जमाने में फोर किंगडम क्लासिफिकेशन था, बोले तो मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांटी और एनिमेलिया, तो आर एच विटेकर ने उसको पांच किंगडम कर दिया, कितने किंगडम, उसमें एक और किंगडम ऐड कर दिया जिसका नाम है भैया फंजाई। तो फंजाई किंगडम को किसने डिस्कवर किया था, फंजाई किंगडम को डिस्कवर किया था भैया आर एच विटेकर ने, खोजा था फंजाई किंगडम को कब, 1969 में। तो भाई साहब कितने किंगडम हो गए, कितने जगत हो गए, तो भैया एक दो तीन चार पांच, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था मेरे भाई, वेरी गुड, आर एच विटेकर। किसने, आर एच विटेकर, कब दिया था, 1969 में। तो भैया एक क्वेश्चन कईयों बार पूछा जा चुका है इसलिए मैंने ट्रिपल स्टार लगाया हुआ है, तुम पांच लगा लेना, कितना लगा दिया मैं, ट्रिपल स्टार। तो फाइव क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, किसने दिया था, आर एच विटेकर ने, सिंपल। और ज्यादा करे तो पूछ दिया जाता है कब दिया था, 1969 में दिया था इसने, कौन सा, और ज्यादा अवेलेबल हो जाएगा तो पूछ लिया जाएगा कि भैया आर एच विटेकर ने कौन सा किंगडम डिस्कवर किया था, कौन सा किंगडम खोजा था, तो फंजाई किंगडम, कौन सा, फंजाई। फंजाई को हिंदी में कवक भी कहते हैं, तुम लोगों को पता है ना हिंदी मीडियम वालों, हाँ। तो ये हमारा छोटा सा क्लासिफिकेशन, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, ऐसे कहा देख रहे हो भाई, टुबर टुबर है, पीछे देखो अपने, नहीं मेरे पीछे, इधर इधर इधर, हाँ, ए क्या लिखा हुआ है, लिविंग बर्ड, बोले तो जीव जगत, पूरा जीवन, कौन लिखा हुआ है, आर एच विटेकर, 1969, इसने कितने क्लास में डिवाइड, सॉरी कितने किंगडम में डिवाइड किया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर एच विटेकर ने, समझे। तो फाइव किंगडम कौन कौन से है, एक मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजा है, प्लांटी है और एनिमिलिया है, ओके ठीक। अब बात ये आती है सबसे इंपोर्टेंट बात की, सर आपने हम लोगों को बताया था कि अगर किसी चीज को डिवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए मेन बेस की जरूरत पड़ती है, कोई ना कोई कारण होना जरूरी है, हाँ भाई ये तो मैंने बताया था। तो आखिरकार ये सभी को मिला के देखा जाए तो सभी तो जीव हैं, इन सभी को मिला के देखा जाए तो सभी क्या है, जीव। तो आखिरकार इनमें ऐसी कौन कौन सी डिफरेंस है, ऐसे कौन कौन से अंतर है जो जिनको अलग करते हैं, ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर, ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिनको एक दूसरे से अलग करते हैं, सही है। ये तो जादूगर तो था नहीं कि बिना कैरेक्टर के बिना लक्षणों के कि सीधा बोल दिया भैया ये मोनेरा है, ये प्रोटिस्टा है, फंजे प्लांटी एनिमेलिया है, नहीं कुछ ना कुछ तो देखा होगा ना इसने आर एच विटेकर ने। तो सबसे अच्छा जो क्लासिफिकेशन है वो आर एच विटेकर का माना गया है आजकल जो चल रहा है, और हायर लेवल पे तो सिक्स किंगडम भी आ चुका है, एक और किंगडम भी आ चुका है, डोमेन्स भी आ चुके हैं। तो खैर छोड़ो, अभी हमको अपने लेवल पे चलना है, औकात पे चलना है, औकात से बाहर नहीं जाना है, तो यहां हो गया। तो बात आ रही है कि सर माना कि बांट दिया पूरे लिविंग वर्ल्ड को, पूरे जीव जगत को इस महान बुद्धे ने पांच किंगडम में डिवाइड कर दिया माना, लेकिन किस बेस पे, किस आधार पे, किस पॉइंट पे, किस कैरेक्टर के बेस पे बांटा है, कुछ तो पता होना चाहिए हम लोगों को, हाँ मैं बताऊंगा। तो इसके कुछ पॉइंट ये है, जरा ध्यान से देखना। पहला, आर एच विटेकर के क्लासिफिकेशन का जो मेन क्राइटेरिया है, जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन लक्षण है, तो वो ये है। सबसे पहला क्राइटेरिया इसने देखा, इसने देखा सेलुलर स्ट्रक्चर, सेलुलर, सेलुलर, मैं लिख रहा हूं अपनी स्टाइल में, समझ लेना, ओके, हाँ, स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर, ओके, समझ आ रहा है, सेलुलर स्ट्रक्चर
अरे भैया कोशिकीय संरचना लो हिंदी में, लो कोशिकीय संरचना, कोश का भी संरचना कैसी है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक, यहां देखा गया है, ठीक है समझ रहे हो। हाँ तो पहला सेलुलर स्ट्रक्चर, कोश की संरचना कि कोष का कैसी है, सेल कैसी है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, ये भी नहीं पता, पता है, वेरी गुड। हाँ दो, सेकंड क्राइटेरिया बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर या थैलस स्ट्रक्चर, या थैलस स्ट्रक्चर। अरे भैया थैलस यानी बॉडी बोलते हैं, बॉडी बॉडी को ही थैलस कहते हैं, बॉडी को ही क्या कहते हैं, थैलस, थैलस स्ट्रक्चर या बॉडी स्ट्रक्चर। अच्छा हिंदी में, हिंदी में शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना, तुम यार बेइज्जती करवाते हो मेरी है, शारीरिक संरचना कौन सी, शारीरिक संरचना सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है ये। थर्ड क्राइटेरिया कौन सा था, तो भैया थर्ड क्राइटेरिया मैं तुमको बता दूं, तो थर्ड क्राइटेरिया अपना था, थर्ड क्राइटेरिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की विधि, किसकी, पोषण की विधि, कि भैया ये पोषण कैसे करता है, खाना कैसे खाता है। अब खाते मतलब खाने का मतलब ये नहीं, टाइप होते हैं खाने का, जैसे कि पैरासाइटिक होता है, सेप्रोफाइटिक होता है, मृतोपजीवी, सेप्रोफाइटिक होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, समझ रहे हो। हाँ बोल वाला खाना, पोषण की विधि भी देखी इसने, अभी इसको इस पे अप्लाई भी करेंगे, थोड़ा रुको सबर रखो। या फोर्थ मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, सेलर स्ट्रक्चर हो गया, अब है भाई रिप्रोडक्शन, ये तो जानते ही होगे, नहीं जानते हो, देखते हैं इसका हिंदी होता है प्रजनन, 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 रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मेथड कैसा है, एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कौन सा, ये भी इसका लक्षण था भाई, इन सब लक्षण को देखिए। और भैया एक और फाइव, फाइलोजेनेटिक क्लासिक, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, जाति वृत्तीय संबंध आ रहा भैया, जाति वृत्तीय संबंध, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, नहीं आ रहा है तो पांचवा है फाइलोजेनेटिक रिलेशन, हिंदी में इसका जातीय वृत्तीय संबंध, ये इसके कैरेक्टर थे, इसके लक्षण थे, इसके पॉइंट ऑफ व्यू पे इनको क्लासिफाई किया गया था। तो आर एच विडेकर ने कौन कौन से पॉइंट को यूज किया था क्लासिफिकेशन के लिए, तो सबसे पहला आंसर होना चाहिए कि भैया सेलुलर स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर या थैलस स्ट्रक्चर, शारीरिक संरचना, तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ में आया, सर ये क्या है, ये कौन सी बताया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, तो भैया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि भाई माना कि मैंने इसमें रख दिया, ये है एनिमिलिया में जो भी आ रहा है, माना कि एक चंगू आ रहा है और एक मंगू आ रहा है, इनके बीच का संबंध, इनके बीच का संबंध ही फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहलाता है, जाति वृत्तीय संबंध, इन दोनों के बीच में कौन कौन से संबंध समान हैं। अरे भाई साहब किसी को एक घर में रखा गया है तो इसका मतलब उनके सरनेम समान होंगे, वो परिवार का ही है, परिवार का हो तो उनके पापा मम्मी सेम होंगे, सरनेम सेम होंगे, समझ रहे हो, या उनकी शादी होकर आई होगी, कुछ तो सेम होंगे, तो उनको ही कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इसमें दो है, एक चंगू एक मंगू, तो इन दोनों को मैंने इस घर में रखा है, एनिमिलिया घर में रखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन रिलेशन होंगे, कुछ ना कुछ तो बीच में सेम होगा, तो इसी इसी रिलेशनशिप को ही फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक। तो इन पांच पॉइंट जो हैं इन पे फोकस करके इस बुड्ढे ने ये वाला कांड किया, आर एस भटेकर।
तो आईसीआर के लिए बेहद ज्यादा इंपोर्टेंट है 5 पॉइंट, इनको बहुत ही सटीकली याद रखना है तुम लोगों को, सीधा तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा है और कभी भी पूछा जा सकता है और पूछ भी जा चुका है नीट में, ठीक, और बड़ा सिंपल है। ओके जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। तो अब हमने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देख लिया, आर एस भटेकर ने दिया है 1969 में दिया है, उसके किस बेस पे दिया है वो पॉइंट भी देख लिए। ओके अब देखना है, अब क्या करना है, अब आगे उसमें मोनेरा भी है, तुम्हारा प्रोटिस्टा भी है, फंजाई भी है, प्लांटी भी है और एनिमेलिया भी है। अब इनमें से आगे किस पे फोकस करना है, और हमको पीएटी के लिए तो आगे फोकस करना है भाई प्लांटी किंगडम पे फोकस करना है। आगे किस पर फोकस करना है, प्लांटी किंगडम में, प्लांटी किंगडम पर फोकस करना है, प्लांट्स के बारे में पढ़ना है हम लोगों को भी। तो ठीक है, तो आओ देखते हैं प्लांटी किंगडम पे थोड़ा प्रकाश डालें, क्या डालें, प्रकाश फोकस डालते हैं। ये देखो प्लांटी किंगडम, तो भाई साहब प्लांटी किंगडम में पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि प्लांटी किंगडम में, प्लांट्स में, प्लांटी किंगडम में पूरे के पूरे प्लांट्स आते हैं। कौन आते हैं, प्लांट्स आते हैं, ठीक है। और प्लांटी किंगडम का एक मेन मेन पॉइंट यह है कि जो भी प्लांटी किंगडम में आएगा, जो भी प्लांटी किंगडम में रहेगा, उसको फोटोसिंथेसिस करना ही पड़ेगा, प्रकाश संश्लेषण करना ही पड़ेगा। और प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस तुमको पता है, क्लोरोफिल बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, विदाउट क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। तो जो भी प्लांटी किंगडम में इन्वॉल्व होगा उसमें क्लोरोफिल तो होना ही है और वो फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही। तो प्लांटी किंगडम में जो आएगा वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। अब बात आती है प्लांटी किंगडम में कौन आते हैं, एनिमल, नहीं एनिमल तो ना आते हैं, प्लांट्स आते हैं भाई, एनिमल तो एनिमिलिया में आएंगे ना, हाँ तो प्लांट्स आते हैं, कौन आते हैं, प्लांट्स, ठीक, प्लांट्स आते हैं, कौन आते हैं, प्लांट्स आते हैं। अब बात आती है प्लांटी किंगडम में प्लांट्स आते हैं, हाँ तो सब प्लांट्स तो एक जैसे होंगे, मैं बोलूंगा नहीं सभी प्लांट्स एक जैसे नहीं है। हम लोग कहीं ना कहीं अनदेखा कर देते हैं, हमने हर टाइप के प्लांट्स देखे हैं दुनिया में, और प्लांट्स जो भी जितने भी दुनिया में प्लांट्स हैं वो होते हैं ओनली 5 टाइप के, 5 टाइप के पौधे पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं दुनिया में। तो सबसे पहले सबसे लोअर कैटेगरी के जो प्लांट्स होते हैं, सबसे लोअर सबसे घटिया कैटेगरी के जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं एल्गी, जिनको हिंदी में कहते हैं सैवाल, क्या बोला जाता है, सैवाल, एल्गी, एल्गी क्या बोला जाता है, एल्गी। तो सबसे घटिया लेवल के जो प्लांट्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, एल्गी। अब फिर आता है ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट, फिर आता है टेरिडोफाइट, यहां पी साइलेंट है मेरे भाई, पटेरिडो नहीं है, ये टेरिडोफाइट है, क्या है, टेरिडोफाइट। फिर आता है जिम्नोस्पर्म, फिर आता है एंजियोस्पर्म। तो सबसे घटिया लेवल के प्लांट्स कौन से होते हैं, एल्गी, और सबसे बढ़िया लेवल के प्लांट्स कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, ठीक है। अब बात आ रही है इन पांचों में से, ध्यान से देखिए इन पांचों में से फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, जल्दी बताओ, तेरी, सब करेंगे क्योंकि सब तो प्लांट ही है ना भाई, सभी की सभी फोटोसिंथेसिस करेंगे क्योंकि सभी किसके, अरे यार शर्मा जी के बच्चे हैं, पंडित जी तो होंगे ही ना, तो प्लांट्स में आते हैं भाई, प्लांट्स हैं तो फोटोसिंथेसिस तो करेंगे। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई इनमें क्लोरोफिल किसमें होगा, तो सभी में होगा क्योंकि सभी प्लांट्स हैं, तो क्या हुआ, तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस बिना क्लोरोफिल के होगा ही नहीं, जे समझ में आया, हाँ तो सभी प्लांट्स हैं तो सभी में फोटोसिंथेसिस होगा। अब वो बात लगे घटिया टाइप का है, ये थोड़ा और अच्छा है, ये और अच्छा है, ये और अच्छा है, वो सबसे अच्छा है, समझ रहे हो। तो आजकल हम दुनिया में जो सबसे ज्यादा प्लांट देखते हैं वो है एंजियोस्पर्म, कौन है, एंजियोस्पर्म। हम फ्रूट लेते हैं एंजियोस्पर्म से, हम खाना लेते हैं एंजियोस्पर्म से, हम चावल जो खाते हैं एंजियोस्पर्म, हम गेहूं जो खाते हैं एंजियोस्पर्म, हमारी जो शक्कर आ रही है यानी गन्ने के रस से एंजियोस्पर्म। तो ज्यादातर हम किन प्लांटों के बीच में घिरे हुए हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बीच में घिरे हुए हैं, ठीक है, ये डोमिनेंट प्लांट्स हैं, ये बहुत जगह मिल जाता है और ये थोड़े रियर कंडीशन में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते, उसका एक रीजन है बताऊंगा। तो पहले यहां देखते हैं, तो ये है बढ़िया क्वालिटी ऑर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं, घटिया से बढ़िया की साइट, तो ये बढ़िया होते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है, ओके।
अभी तो ये तो टाइप ऑफ प्लांट हो गया, प्लांटिक किंगडम में इतने टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं। तो भाई साहब अभी इसी टाइम एक बुड्ढा आता जिसका नाम है ईस्टलर, क्या नाम, ईस्टलर, क्या ईस्टलर, ईस्टलर नाम का बुड्ढा आता है। ईस्टलर नाम के बुड्ढे ने पूरे प्लांटिक किंगडम में देखा कि भाई साहब इन पांच टाइप के प्लांट्स में से पता चला कि आधे फ्लावरिंग कर रहे थे और आधे फ्लावरिंग नहीं कर रहे थे, मतलब आधे फूल दे रहे थे और आधे फूल नहीं दे रहे थे। जी हाँ, आधे फ्लावरिंग कर रहे थे और आधे फ्लावरिंग नहीं कर रहे थे। ये किसने देखा था? ईस्टलर ने देखा था। ईस्टलर नाम के बुड्ढे ने देखा कि जो पांच टाइप के जो प्लांट हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, एरिफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये पांच टाइप के जो प्लांट हैं, इनमें से देखा उसने, ईस्टलर ने, कि इनमें पांच टाइप में से कुछ टाइप के प्लांट थे जो फ्लावरिंग कर रहे थे, बढ़िया से फूल बाहरें खिल रही थी, और कुछ ऐसे थे जो सूखे सूखे थे, हरे हरे थे, सुंदर सुंदर थे लेकिन फ्लावरिंग नहीं कर रहे थे, पुष्प पैदा नहीं कर रहे थे, कुछ पुष्प पैदा कर रहे थे। तो भाई साहब ईस्टलर ने क्या किया, ईस्टलर ने पूरे प्लांटिक किंगडम को दो क्लास में डिवाइड कर दिया, एक वो जो फूल दे रहे थे और एक वो जो फूल नहीं दे रहे थे, एक वो जो फूल दे रहे थे और एक वो जो फूल नहीं दे रहे थे, यानी एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट और एक फ्लावरिंग प्लांट, मतलब एक पुष्पीय अपुष्पीय पादप और एक पुष्पीय पादप, मतलब एक फूल ना देने वाले और एक फूल देने वाले, समझ रहे हो, एक फूल ना देने वाले और एक फूल देने वाले, एक वो जिनमें फूल नहीं आ रहे थे, एक वो जिनमें फूल आ रहे थे, इनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी और इनमें फ्लावरिंग हो रही थी, इन दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया ईस्टलर ने पूरे प्लांट्स को। तो भाई साहब जिनमें फूल नहीं आ रहे थे उनको क्रिप्टोगेम्स कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेम्स, यानी क्रिप्टोगेमी प्लांट्स कहते हैं, ये है क्रिप्टोगेम्स बोला, क्रिप्टोगेम्स बोला, क्या बोला, क्रिप्टोगेम्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, यानी जिनमें फूल नहीं आते, और कुछ ऐसे थे जिनमें फूल आ रहे थे, जिनमें फूल आ रहे थे उनको बोल दिया फेनेरोगेम्स, फेनेरोगेम्स या फेनेरोगेमी प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादप। तो भाई साहब ईस्टलर ने देखा कि आधे आधे प्लांट जो थे फूल दे रहे थे और आधे फूल नहीं दे रहे थे, जो फूल नहीं दे रहे थे उनको क्रिप्टोगेम्स बोल दिया यानी नॉन फ्लावरिंग प्लांट बोल दिया, और जो फूल दे रहे थे उनको फेनेरोगेम्स बोल दिया या फ्लावरिंग प्लांट बोल दिया। ठीक, अब एक बात और याद रखना तुम लोग, जहां फूल नहीं आएगा वहां फल आता ही नहीं है, जहां फूल नहीं आएगा वहां बीज नहीं बनते, मेन चीज है, जहां फूल नहीं आएगा वहां बीज नहीं बनेंगे, जहां फूल नहीं आएंगे वहां बीज नहीं बनेंगे। तो भाई साहब एक बात बताओ, यहां फूल नहीं आ रहा है क्या है बीज बनेगा नहीं, वेरी गुड, समझदार हो गए हो, हाँ यहां फूल नहीं आ रहा है तो बीज नहीं बनेंगे। तो भाई साहब ये सीडलेस प्लांट यानी बीज रहित पादप, बोलो तो सीडलेस प्लांट यानी क्रिप्टोगेम्स को क्या क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेम्स का मतलब होता है जिनमें फूल नहीं आते, यानी क्रिप्टोगेम्स ऐसे प्लांट जिनमें फूल नहीं आते उनको क्रिप्टोगेम्स कहते हैं, और जिनमें फूल नहीं आते नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। और भाई साहब और जहां फूल नहीं आएगा वहां बीज तो होगा ही नहीं, और आधे बच्चों के माइंड में ये चल रहा होगा कि भैया यार मास्टर वाला ठसकोला मार रहा है कि ये तो प्लांट पेड़ है, प्लांट है, अगर हमें बीज नहीं होगा तो नए प्लांट कैसे आएंगे, हैं एक क्वेश्चन है, हाँ बताऊंगा भाई कैसे आएंगे, और भी विधियां होती हैं, समझ रहे हो, हाँ कायिक जनन सुना है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम इन्हीं में होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन ये होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होते हैं, वो कैसे होता है बताऊंगा अभी, तो ठीक है इतना माइंड मत चलाओ अभी, हाँ हाँ। तो एक क्रिप्टोगेम्स डिवाइड किया फेनेरोगेम्स, फेनेरोगेम्स का मतलब जहां फूल आते हैं, और हाँ और 100% कह देना जहां फूल आएगा वहां बीज भी आएगा, वहां बीज भी आएगा, ठीक, फेनोरोगेम्स। तो भाई साहब क्रिप्टोगेम्स कौन कौन से होते हैं, भैया एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, ये तीनों को क्रिप्टोगेम्स प्लांट कहते हैं, यानी इन तीनों में फूल नहीं आते होंगे, नहीं आते, इन तो इन तीनों में बीज नहीं बनते होंगे, नहीं बनते, तो इन तीनों को क्रिप्टोगेम्स प्लांट कहते हैं। ओके, अब फेनेरोगेम्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को फेनेरोगेम्स कहते हैं, इसका मतलब इन दोनों में फूल आते हैं, जी हाँ दोनों में फूल आते होंगे तभी तो फेनेरोगेम्स में रखा गया है, जी हाँ
और फूल आते हैं तो बीज भी बनते होंगे। हाँ भाई दोनों में बीज भी बनते होंगे। हाँ भाई बराबर बनते होंगे क्योंकि ये तो फेनेरोगेम्स के पार्ट है ना भैया, तो बीज भी बनते होंगे और फूल भी आते होंगे। ओके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या अंतर है आखिरकार, इनको अलग अलग क्यों रखा गया है, दोनों को मिला के रख देते भाई सब, दोनों में फूल आ रहे हैं दोनों में बीज बन रहे हैं तो दोनों को क्यों अलग अलग किया गया है, यहां अलग अलग तो किया गया है, अरे दोनों को मिला, अरे दोनों में बीज आ रहे हैं भैया, दोनों में फूल भी बन रहे हैं तो दोनों को मिला जुला के हलवा बना के रख दो ना, क्यों अलग अलग जिम्नोस्पर्म को अलग कर दिया एंजियोस्पर्म को अलग कर दिया, तो इसका एक रीजन है भैया, फूल तो दोनों में बनेंगे बीज भी दोनों में बनेंगे लेकिन फल एक में ही बनेगा, इसमें इसमें बनेगा फल, एंजियोस्पर्म में इसमें फल नहीं बनेगा। एक तुमको मैं बात बता दूं, फूल के अंदर एक चीज होती है जिसका नाम है ओवरी, क्या ओवरी ऐसा, और ओवरी के अंदर चीज होती है जिसका नाम है ऐसे अंडे होते हैं ओवरी के अंदर, यह है ओवरी अंडाशय, ओवरी अंडाशय, और इसके अंदर दो लड्डू जो होते हैं उनको कहते हैं ओव्यूल, ओव्यूल क्या ओव्यूल बीजांड ओव्यूल बोलते हैं। तो भाई साहब जब ये रहते हैं फूल में, किसमें रहते हैं फूल में, तो मैं बात बताऊं जब फूल डेवलप होता है एक प्रोसेस होती है निषेचन फर्टिलाइजेशन की, उसके बाद ये जो ओवरी है ना वो फल बन जाती है और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है ना ओव्यूल वो बीज बन जाते हैं। तो कभी देखा है तुम लोगों ने, अच्छा बीज कहां निकलते हैं, फल के अंदर ही निकलते हैं ना, फल ऊपर रहता है और बीज अंदर, फल ऊपर और बीज अंदर, यानी इसके बीज ढके रहते हैं, बीज क्या रहते हैं ढके रहते हैं, बीज क्या रहते हैं इसमें, ऐसे मैंने कि माना कि मैंने बनाया एक एप्पल बना दिया, ऐसे रहता है ना एप्पल, बीच में से काटा तो यहां बीज रहेगा, सपोज समझाने के लिए बता रहा हूं, बीज रहेगा ऊपर फल रहेगा, तो बीज कहां निकलता है फल के अंदर निकलता है, फल के अंदर निकलता है। तो भाई साहब मुद्दा ये था इसको अलग और इसको अलग क्यों कहा गया, तो भाई साहब बात ये है इसको अलग और इसको अलग इसलिए कहा गया इसमें फल भी बनता है जबकि इसमें फल नहीं बनता, इसमें फल बनता है और इसमें फल नहीं बनता, सीड तो बनते हैं हाँ भाई, इसमें भी सीड बनते हैं हाँ, इसमें फूल आते हैं हाँ, इसमें भी आते हैं हाँ, इसमें बीज बनते हैं हाँ, इसमें भी बनते हैं बीज हाँ, इसमें फल बनते हैं नहीं, इसमें बनते हैं हाँ, तो अंतर यह है कि भाई साहब एंजियोस्पर्म में फल बनता है और इसमें फल नहीं बनता, इसमें फल नहीं बनता, ओके इसमें फल नहीं बनता, इसमें फल बनते लेकिन सीड बनते हैं हाँ भाई, तो सीड भाई बनेंगे, ये प्लांट है इसका, इसमें डायरेक्ट सीड डेवलप होते हैं, डायरेक्ट सीड डेवलप होते हैं, जबकि यहां इस प्लांट में पहले फल बनेगा उसके अंदर सीड डेवलप होंगे, यानी इसके सीड ऊपर से इसके बीज जो है ऊपर से दिखाई देते हैं जबकि इसके बीज ऊपर से दिखाई नहीं देते, इसके बीज बीज में धंसे रहते हैं, इसके बीज सॉरी फल में धंसे रहते हैं, इसके सीड जो होते हैं इसके बीज जो होते हैं एंजियोस्पर्म के वो फल में अंदर घुसे रहते हैं ढके रहते हैं कवरिंग कवर्ड रहते हैं, किससे फल से, फल से ढके रहते हैं, फल के अंदर ही तो रहते हैं, और जबकि इसके बीज फल के अंदर नहीं रहते, नंगे होते हैं ससरे, नेकड सीड, नंगे नग्न बीज पाए जाते हैं जबकि यहां नग्न बीज नहीं होते, समझ रहे हो हाँ। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या, तो जिम्नोस्पर्म में सीड भी बनता है फल फूल भी आता है बट फल नहीं आता, और या बोल सकते हैं कि इसके बीज नंगे होते हैं नग्न होते हैं नेकड सीड पाए जाते हैं इसमें, जबकि ऐसा इसमें कुछ नहीं होता, कवर्ड सीड मिलते हैं इसमें, सीड फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं फल के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को अलग अलग किया गया है, ठीक। अब आता है मोनो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया फिर से भाई साहब, मोनोकोट एंड डाइकोट, मोनोकोट एंड डाइकोट, सही ला रहे हो ख्याल क्या है, हाँ वही जो मैंने पढ़ाया था मोनोकोट एंड डाइकोट, तो मोनोकोट और डाइकोट क्या, एक बात बताओ मोनोकोट और डाइकोट में से, बढ़िया क्वेश्चन है, मोनोकोट और डाइकोट में से फल किसमें बनेगा बे, अबे दोनों में बनेंगे क्योंकि इसमें फल नहीं बनता, क्या फल बनता है तो इसी के तो बच्चे हैं तो दोनों में फल बनेंगे ना, कहां दिमाग है रे तेरा, हाँ आ जाओ, तो मैं सिंपल पॉइंट से मैं तुमको समझाने वाला हूं, एक लॉलीपॉप पॉइंट कि भाई साहब मोनोकोट और डाइकोट को पहचाने कैसे, होते क्या है, तो मैं एक सिंपल हम लोग
गांव में जब जाते हैं, चलो गन्ना ही इमेजिन कर लो, गन्ना, गेहूं, ज्वार, बाजरा, गन्ना, गेहूं, ज्वार, बाजरा, धान, घास, देखा है ना, तो उनकी पत्तियां जरा माइंड में लाओ, उनकी पत्तियां जरा ऐसी होती हैं, होती हैं कि नहीं? हाँ बोलो, हाँ होती हैं, देख रहा हूं बेटा, होती है। अब आम की पत्ती माइंड में लाओ, ऐसी होती है, होती है, हाँ। अगर कहीं ऐसी पत्ती दिखाई दे रही है और अगर कहीं ऐसी पत्ती दिखाई दे रही है तो भाई साहब ऐसी पत्ती वाले प्लांट को बोलते हैं डाइकॉट और ऐसी पत्ती वाले प्लांट को बोलते हैं मोनोकॉट। तो सीधा सीधा बोल दो, धान में ऐसी पत्ती आती है, आती है गेहूं में, आती है ज्वार में, आती है मक्का में, आती है बाजरा में, आती है आम में, नहीं आती है, आम में वाली आती है, नीम में आती है वाली, बबूल में ये वाली आती है, इमली में ये वाली आती है, पीपल में ये वाली आती है, अमरूद में ये वाली आती है, तो ये सब क्या है, डाइकॉट। और जबकि धान, ज्वार, गन्ना, बाजरा, मक्का, गेहूं, घास, ये सब क्या है, मोनोकॉट। एक सिंपल तरीका हो गया समझने का। अब दूसरा तरीका समझो, दोनों की सीड लेना, चने का सीड ले लेना, ले लिया, चलो नहीं मिल रहा कोई बात नहीं है, सीड इमेजिन करो, चने को भुना, बोलो भुना, ले लिया, दिख रहा है, भुनने के बाद इसको ऐसे पकड़ो और तोड़ दो, या तो ऐसे करेंगे तो अपने आप टूट जाएगा, मूंगफली का टूट जाता है। तो ऐसे प्लांट, ऐसे पौधे, ऐसे पेड़, ऐसे प्लांट जिनके बीज, जिनके सीड दो अलग अलग बराबर भागों में बट सकते हो, दो अलग अलग इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकते हो, उसको डाइकॉट बोलेंगे। जैसे चना को ले लो, मूंगफली को ले लो, मूंग को ले लो, मटर को ले लो, तोड़े कभी, हाँ। तो ऐसे प्लांट जिनके सीड दो इक्वल, जिनके सीड को दो इक्वल पार्ट में तोड़ा जा सके उनको डाइकॉट, और ऐसे प्लांट जिनके सीड को दो इक्वल पार्ट में तोड़ा ना जा सके उसको मोनोकॉट कहते हैं। तो भाई साहब मोनोकॉट कौन कौन सा होगा, गेहूं को कभी भुना है, चलो नहीं भुना होगा, कभी दो इक्वल पार्ट में तोड़ा है कभी गेहूं, नहीं टूट सकता, मक्का नहीं टूट सकती, चना टूट सकता है, वेरी गुड, और धान चावल नहीं टूट सकता, समझ रहे हो, तो मोनोकॉट समझ सकते हो और डाइकॉट भी समझ सकते हो, इन दोनों में अंतर, फल भी बन, फल नहीं बनता है, यहां सीड बनता है और फ्लावर बनते हैं, यहां भी सीड और फ्लावर दोनों बनते हैं, बट दोनों में अंतर क्या है, यहां साथ में फ्रूट बनता है जबकि यहां फ्रूट नहीं बनते, या बोल सकते हैं इनके सीड नंगे नहीं होते जबकि इनके सीड नंगे होते हैं, क्लियर। और इसका इसका मतलब क्या है, ये फूल देते हैं और ये फूल नहीं देते, ठीक है, ओके। ये कांड किसने किया था, ईस्टलर ने, किसने किया था, ईस्टलर नाम के बुद्धि, क्लियर, हाँ हाँ। तो जल्दी से अब इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट जल्दी करो, ले लिए, ओके। तो जैसा कि हम लोगों ने प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, दोबारा से थोड़ा सा लौट के आते हैं यहां पे, अब देखते हैं ये तो किसका है, आर एस भटेकर का। तो आर एस भटेकर के क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, तो ये भी क्वालिटी ऑर्डर है, क्या है क्वालिटी ऑर्डर, घटिया, थोड़ा बढ़िया, थोड़ा और बढ़िया, थोड़ा और बढ़िया, और सबसे बढ़िया। तो हम किस में आते हैं, सबसे बढ़िया में आते हैं मेरे भाई, किस में आते हैं, सबसे बढ़िया में आते हैं। तो इसमें कौन कौन आता है भैया, एनिमल आते हैं, सब एनिमल, सब एनिमल, बोलो कैचुआ भी आता है, हाँ जी आता है, जोंक भी आती है, वो जोंक नहीं, लीच, लीच वाली जोंक, हाँ जोंक भी आती है, और हाथी भी आता है, कुत्ता आता है, हाँ उसकी भी हाँ, गधा, सुअर, घोड़े, बिल्ली, सब आते हैं भाई, हम तुम सब आते हैं भाई बहन, इसी में आते हैं एनिमल, हम एनिमल है ना, तो एनिमल में आते हैं। प्लांट्स अभी मैंने पढ़ चुके हैं, फंजाई में कौन आते हैं, अरे भैया तुम्हारी रोटियां वोटियां सड़ जाती है ना, फफूंद जिसको बोलते हो आप लोग, कवक हिंदी में, तो वो इसमें आते हैं भैया फंजाई में। और ये क्या है, ये क्या है, कुछ नहीं है, समुद्र में रहने वाले, मैरीन वाटर में मिलने वाले माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, ये ज्यादातर पानी में रहते हैं, एक्वाटिक होते हैं, इनके बारे में बहुत तरीके से पढ़ते हैं। अब ये मोनेरा, मोनेरा, ओह माय गॉड, मोनेरा, वेरी वेरी आईएमपी, मोनेरा, मोनेरा क्या होता है, मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं अपने, हमारे तुम्हारे बैक्टीरिया, कौन बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया, किसमें आते हैं, मोनेरा में, जिसमें बैक्टीरिया आते हैं। तो हमारे लिए कौन कौन सी
किंगडम इंपोर्टेंट है वो देखना है, तो भैया ये है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हमारे लिए, जिसमें से हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब दूसरा इंपोर्टेंट है भैया यो, दूसरा सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये है। तो इन दोनों किंगडम पे पीएटी के लिए बात कर रहा हूं, आईसीआर में तो सब कुछ इंपोर्टेंट है भैया, पीएटी में ये और ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक ओके। और क्या सर इसमें से नहीं है? अरे भाई इसमें से भी इंपोर्टेंट होते हैं बहुत से, तुम्हारा केचुआ इसी में से इंपोर्टेंट है, अर्थवर्म तुम्हारा कॉकरोच इसी में से इंपोर्टेंट है, तुम्हारा मेंढक इसी में से इंपोर्टेंट है, तुम्हारे बर्ड्स इसी में से है, तुम्हारी मछलियां भी इसी में से है, ये भी इंपोर्टेंट है, समझ रहे हो? हाँ अब ठीक, तुमको पता है कि इसमें आर एच विटेकर ने कितने पॉइंट को नापा था, कितने पॉइंट से इसको क्लासिफाई किया था, 5, तुम्हारा सेलुलर स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक, तुम्हारा बॉडी थैलस बॉडी स्ट्रक्चर है, थैलस स्ट्रक्चर मतलब सेलुलर लेवल का है, कोशिकीय लेवल का है, या ऊतकीय स्तर का है, टिश्यू लेवल का है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल का है, कौन से मतलब अंग तंत्र लेवल का, तुमको सब याद आना चाहिए ये क्या है। हाँ तो भाई साहब मैं तुमको बता दूं, जो मोनेरा होते हैं ना ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक, ये मोनेरा, और यहां से इधर तक यूकैरियोटिक। तो मोनेरा अकेला प्रोकैरियोटिक है, मोनेरा किंगडम में जो भी एनिमल आएंगे, सॉरी जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, जो भी जीव आएंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सभी क्या होंगे? प्रोकैरियोटिक। यानी प्रोकैरियोटिक का मतलब तुम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है मेरे भाई, नहीं पता है तो मैं बता दूंगा आगे चल के। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब तुमको बहुत अच्छे तरीके से पता है क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल के 2-4 पॉइंट में बता देता हूं। पहला तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होगी, क्या होगी? सेल वॉल होगी, और उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, समझ रहे हो? हाँ जी, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, कोशिकांगक भी नहीं पाए जाएंगे। हाँ वेरी गुड, तो प्रोकैरियोटिक, तो मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक है, और जबकि प्रोटिस्टा से लेके एनिमेलिया तक क्या है? सब यूकैरियोटिक है। और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? किसी भी यूकैरियोटिक में नहीं, यूकैरियोटिक का मतलब ये होता है कि भाई साहब इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। तो बात आ रही है कि सर प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल पाई जाती है, क्या यूकैरियोटिक में पाई जाती है सेल वॉल? हाँ भाई, प्रोकैरियोटिक में तो सेल वॉल पाई ही जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि यूकैरियोटिक में भी सेल वॉल पाई जाए। कुछ यूकैरियोटिक सेल ऐसी होती है जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, कुछ यूकैरियोटिक सेल ऐसी होती है जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, जैसे हमारी एनिमल की जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक सेल होती है जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, और वही हम देखें प्लांट की जो सेल होती है वो भी यूकैरियोटिक सेल होती है लेकिन उसमें सेल वॉल पाई जाती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ओके। ये था अपना छोटा सा क्लासिफिकेशन।